भाई ये देखो यार, पूरा गीला हुआ पड़ा है। कल बहुत बारिश हुई है, रात को बहुत बारिश हुई है भाई। बच्चे ना गीले हुए हो भाई, चेक करो, सब कुछ गीला पड़ा हुआ है भाई। अरे कोट भी गीला हो गया भाई, यहीं भूल गया था क्या कल ही? इन चीज़ों की वजह से थोड़ी बहुत भाई बच गए होंगे अपने, बाकी जिन पे नहीं है उनको देखना पड़ेगा। कपड़ों का भाई एक तो फ़ायदा ही है, मोटे कपड़े हैं, इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, तो ठंड भी नहीं जाती है इस चक्कर में ना। बाकी ये देखो, मेन तो बच्चे देखते हैं पहले। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई कल रात बहुत ही बारिश हुई है, ठीक है, कल रात बहुत बारिश हुई है। तो भाई शुक्र है हमने ना पहले ये चीज़ें अरेंज करके रखी थी। अब मेरे को लग रहा है मौसम वापस से ठंडे हो जाएंगे थोड़े दिन। हाँ तो ये हटा दिया, अभी किंग को खोल दिया, एग है तो स्लेटी ने अंडा दे दिया अपना, 6वां अंडा, अंडा भी इसका बढ़िया है भाई। और भाई अपने को बस अभी चीज़ चेक करनी है, अंडा तो बिल्कुल सही है। जो चीज़ चेक करनी है वो है कि जो लास्ट 2 अंडे पड़े थे वो निकल, मतलब उसमें से बच्चे निकल गए कि नहीं निकल गए, उसको आराम से देखते हैं। पहले इनको दाना रखते हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं इनको। भाई अपनी किंग और स्लेटी के 6 अंडे हो चुके हैं, बहुत सही भाई, 7-8 अंडे और देगी, मज़ा आ जाएगा। और ये भी 10-12 बच्चे निकाल दे तो मज़ा ही क्या आएगा भाई, सोच के देखो, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा फिर तो। और पट्टी अपनी मस्ती लेने लगी हुई है, सारे के सारे बच्चे निकल गए। इसके हैं अपने कितने हैं, 4-4-8 बच्चे हैं भाई इसके, ठीक है, जिसमें से 6 बच्चे इसके हैं और 2 बच्चे अपने हुए, एक है बेगम का, एक है अपनी नाटी वाली पट्टी का, ठीक है। नाटी वाली पट्टी का तो यही है जिसके पैरों में मौज है, दिख रही होगी आपको ये देखो, ठीक है। और बेगम का है जो उसके साथ में है ना, वो वाला। ये बाकी सारे लाल पीले अपने चिट्टियां लत्तों वाले के हैं, वो देखो क्या कर रही है। भाई यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सच मैंने अभी नोटिस किया, 8 बच्चे तो अपने कल के थे, ठीक है, 8 बच्चे अपने कल के थे, अभी 2 अंडों के छिलके थे यहाँ पे, 10 बच्चे होने चाहिए, हमने इनके 3 अंडे फेंके, सिर्फ 13-13 अंडों पे दोनों बैठे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे 8 बच्चे हैं, 2 बच्चे और कहाँ हैं अंडों में से। भाई ये कैसे सीन है, बड़ा गलत सीन हो रखा है यार, यहाँ पे 10 बच्चे होने चाहिए, 8 बच्चे हैं, ये कन्फ्यूजन तो भाई अलग ही पड़ गई। कल ही आपने देखा होगा, मतलब 8 बच्चे तो कल ही थे, ठीक है, उसमें से फिर 2 अंडे और पड़े थे भाई, दोनों अंडों के अभी छिलक थे वहाँ पे, ठीक है, बच्चे नहीं उनमें यार, ये क्या सीन है, जबकि दोनों में से बच्चे निकल रहे थे, पूरे अंडे टूटे पड़े थे यार। अभी इसकी रेट में देखना पड़ेगा कहीं इसके अंदर तो नहीं घुस गए जो कल वाले निकले हुए थे, एक्टिव थे। बाकी वहाँ पे रेट भी लगा रखी है, अभी निकाल के पता लगेगा कितने बच्चे हैं। पहले उन्होंने वाले टक वापस जेडे उच्चे पैर दे दूजी आ रही ना गिली पई आ ज़्यादा, तो बाहर ही गया हो, उनको पहले निकालते हैं यार, ये बीट हो रखी है, इसको साइड करते हैं पहले। हैं वो वाले बच्चे फड़ा मैंने दे, अंदर रख दा मैं, हाँ भाई जो मैंने बोला था वही है भाई, इसके नीचे घुस के पड़े हैं बैठे यार बच्चे, भाई डर लग जाता है। मतलब यार हमने ईंट भी लगा रखी थी प्रॉपर वे में, ठीक है, प्रॉपर ईंट लगा रखी कि कोई जाए ना। एक तो देखो ये सबसे छोटे वाला पीला, ये भी इधर का ही है, यही छोटे वाला पीला दी, ये था एक काला देख के डे वाला, हाँ ही है, सब तो छोटा देख लेना क्योंकि नया बच्चा वह लिया ही यही है। हमने क्या किया, ठीक है, अपने मकोई इसका जो सॉरी नाटी वाला पट्टा एक बच्चा था ना इसके नीचे, अपनी काली के नीचे, वो वापस से हमने अब इसके नीचे कर दिया, क्योंकि इतना तो भी सेट हो ही गया होगा कि वो चल फिर ले। तो इसके नीचे अपने हैं 13 बच्चे, ठीक है, और इसके नीचे हैं अपने काली के नीचे हैं 8 बच्चे, जिसमें से 7 बच्चे इसके हैं और एक बच्चा सिर्फ बेगम का है, और इसके नीचे सारे इसी के हैं और बेगम के साथ में। बड़ी कन्फ्यूज़न है यार, काली ना अपने बच्चे छोड़ के उसके बच्चों के पास जा रही है, इसको लग रहा है कि वो मेरे बच्चे हैं यार, क्योंकि जब ये निकले थे सारे के सारे इसके नीचे आ गए थे ना, अभी फंसे पड़े हैं भाई, अभी इसको पकड़ के बैठे हैं। हाँ भाई हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल के ना, जो ये अपनी है इसके सारे बच्चे इसके साथ निकाल के और उसको अंदर कर दिया वापस से, ठीक है, तो ये कर रहे हैं अभी। तो इसके नीचे हो गए हैं भाई 9 बच्चे दूसरे हैं, काले और 4 पीले हैं, ठीक है अपने, जिसमें से पीले सारे के सारे इसी मुर्गी के हैं, और बाकी जो हैं काले वाले अपने सारे, जिसमें से काले हो गए इसके, कितने हो गए काले, हाँ समझ में नहीं आ रहा है इसके कितने हो गए काले, मेरे ख्याल से 7 बच्चे जो अपने बेगम के हैं, और उस हिसाब से 6 बच्चे इसमें हैं बेगम के और एक उधर हैं, अभी यार बाद में देखते हैं कितने किसके हैं, उससे पहले ये बच्चे भी अभी देख लो आप लेके बैठ गए। ये देखो ईंटें लगा रखी यार हमने प्रॉपर, फिर भी बच्चे पता नहीं कैसे निकल के उसके खुड्डे में घुस गए थे,
कल भाई अभी मोटो और चीना खोल दिया मैंने, और सारे के सारे बड़े बच्चे ना ऊपर लेके आ गया, सारे के सारे ये रहे बैठे हैं। क्यों लेके आया हूँ दिखाता हूँ, क्योंकि नीचे जो है काम चल रहा है ये देखो, तो इस चक्कर की वजह से ना मैं ऊपर लेके आ गया सारे के सारे। अभी दोस्त आया हुआ है, और मैंने ना क्रेटों को भी भाई ढक दिया अच्छे से अभी, ताकि ठंड ना लगे, बारिश वारिश शुरू होने लगी ना, तो मैंने क्रेट वगैरह भी ढक दिया अच्छे से। अभी इनके अंदर ही हैं बच्चे वगैरह ना, ये सीन है, बच्चे घूम रहे हैं यहाँ चिट्टी लता वाला। ये रहा प्रिंस अपना, मेरे छोटे बच्चे, खासे मुर्गे आज खुले हुए हैं बाहर बहुत सारे, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं, ऊपर ही छोड़ रखे हैं। भाई मैं बालों में तेल लगा रहा था, इतने में देख रहा हूँ भाई बारिश शुरू हो गई, सारे मुर्गे तो ऐसे ऊपर ही हैं, जो खुले हैं ना उनको बंद करना है। देख लेता हूँ कौन कौन से खुले हैं। ओ बस यही खुले हैं, इनको बस जो बड़े हैं ना अपने उनको दाना डाल देता हूँ निकाल के, जिस चीज़ को नहीं दिया। कितने अजीब लग रहे हैं यार मेरा कुछ मौसम भाई, इस इन्होंने भी खा रखा है, इन्होंने भी खा रखा है। इसके अंदर जो चूजे हैं ना उनको अंदर बंद करके फिर किंग और स्लेटी को और बच्चों को एक साइड पे करता हूँ, और इनको भी बंद करता हूँ। फिलहाल मैंने किंग को खोल दिया वापस से, स्लेटी अभी तक बाहर नहीं आई क्या है? तो इस साइड आ गई है। अच्छा ये तो फुल पड़ी है यार, ये खाना किंग अपना थोड़ा सा खाए और पानी पिए, इसको बंद कर दूंगा। इनके बच्चों ने तो पूरा खा पी रखा है। बारिश बंद हो गई, शुक्र है भाई, धूप आ रही है वापस से। यार अजीब मौसम है, पूरे अजीब मौसम है यार, कभी मतलब बारिश आ रही है फिर जा रही है, रुक रही है नहीं रुक रही है, धूप आ रही है धूप भी जा रही है, कुछ नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो इनको बंद करके भूल गया था, भाई आया तो उसने बोला इनको भी एक बार दाना और खिलाने, तो वापस इनको दाना रख दिया ठीक है, छोटा चावल रखे हैं और ये पानी रख दिया। उधर भी मैंने उनको रख दिया चावल और पानी ठीक है, इधर प्लेटें और किंग वगैरह खा रहे, ये गंजी आ गई है अपनी। इसे देख लो, माँ का सहारा लेके ना हमारी गंजी पे गुंडागर्दी कर रहे है, देख रहे हो इसे, इसे माँ का सहारा लेके, माँ का सहारा लेके फिर गंजी पे हमारे जोर दिखा रहे हैं। गंजी बता दे उसको कौन है तू, बदतमीज। वैसे भाई अभी है ना ये अंदर चले गई थी, और वो ना अपने जो नाटी वाली पट्टी है ना उसके बच्चे चुगा रही थी भाई ये भी साथ में। उन्हें कुछ कह नहीं रही थी, उल्टा बच्चे चुगा रही थी ये भी साथ में बुला के। व्लॉग जो ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हो रहा है ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।